नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और उसकी क्या विधि है, कृपया करके आप मेरी जिज्ञासा को शांत करिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मानधाता ने लोमर ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमर ने राजा मानधाता को बतलाया, वही मैं तुमको बतलाऊंगा। राजा मानधाता ने धर्म के अनेक रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमर से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपया करके कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सभी को सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। महर्षि लोमस ने कहा, हे निरपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक इसे सुनना। प्राचीन समय में चैत्रत नामक एक वन था, उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थीं। वहाँ सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात वो जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिला करते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थीं, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा क्रिया किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की, इसलिए वो कुछ दूरी पर बैठकर वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाना गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भू का धनुष बनाया और कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्र को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बना दिया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हो गए। उस समय महर्षि मेघावी भी युवा अवस्था में थे और काफी हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीति और दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से बीड़ा पर गायन शुरू किया, तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर और उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वो अप्सरा मेघावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेघावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान ना रहा और काफी समय तक वे रमण करते रहे। इसके बाद मंजू घोषा ने उस मुनि से कहा, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या तो आएगी, प्रातःकाल होने पे चले जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इस प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजू घोषा ने एक दिन फिर से ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहर जाओ। मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है, अब और ज्यादा समय तक रुकना क्या उचित है? अप्सरा की बात सुनकर मुनि को समय का बोध हुआ और वो गंभीरता पूर्वक इस पर विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते 57 वर्ष बीत चुके हैं, तो उस अप्सरा को वो काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चले जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वो भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ रुकटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू हो गईं। क्रोध से थरथराते स्वर में
मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली हे दुष्टा, तू महापापिन और बहुत ही दुराचारिणी है, तुझ पर धिक्कार है, अब तू मेरे श्राप से पिशाचनी बनेगी। मुनि के क्रोधयुक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचनी बन गई। ये देखकर वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर आप प्रसन्न हो जाइए और कृपा करके मुझे ये बताइए कि श्राप का निवारण किस प्रकार से होगा। विद्वानों ने कहा है कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मैंने बहुत वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर भी मंजू घोषा को पिशाचनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, इसके साथ ही अपनी अपकृति का भी भय हुआ। अतः पिशाचनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उस व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेघावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा तूने क्या किया है कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेघावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत पाप किया है, इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे सारे तप नष्ट हो गए हैं, कृपया करके आप इस पाप से छूटने का कोई उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि और भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेघावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया और उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करके पिशाचनी की देह से मुक्ति पाली और पुनः एक सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग लोक चली गई। लोमश ऋषि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पाठन से ही 1000 गौदान करने का फल प्राप्त हो जाता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण को चुराने वाले और मदिरा पान करने वाले आदि सभी भयंकर पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या इससे आपको कोई जानकारी मिली हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल ज्योतिष विज्ञान को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।